नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद का कारण स्वतंत्रता या आजादी के बाद से विभाजन से उत्पन्न सीमा विवाद है। इस विवाद के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर तनाव में वृद्धि होती है और अन्य विवादों का कारण भी सीमा विवाद है। ऐसा ही कुछ हुआ 1 नवम्बर रविवार के दिन, जब पीओके के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान, जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है, उसने इस विवादित क्षेत्र को पाकिस्तान के अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की, जिसका भारत सरकार ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और इसे तत्काल खाली करने की बात कही। अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की वो क्या मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की वो क्या स्थितियां हैं जिसकी वजह से वह पीओके वाले क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान को हाईलाइट में लाकर अपनी चीजों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है और उसके मंशा क्या है इस चीज को सुर्खियों में लाने की। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान एक्चुअली में है कहां। तो आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं कि जो ये लाल क्षेत्र है पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में और भारत की जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर है वहां पर गिलगित बाल्टिस्तान है, ये पीओके अंतर्गत आता है। गिलगित बाल्टिस्तान को देखें तो जो पीओके का क्षेत्र है, पीओके का क्षेत्र वर्तमान में 3 रूप में विभाजित है। जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसका, वो पाकिस्तान के अधिकार में है, उसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। जो मध्य का हिस्सा है वही है गिलगित बाल्टिस्तान, और ऊपर का छोटा सा हिस्सा चीन को दे दिया था पाकिस्तान ने, तो वो चीन गिफ्टेड है। तो गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके का हिस्सा है, इस प्रकार से उसकी लोकेशन है। तो ये पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि वो भौगोलिक परिवर्तन करके अपनी जो राजनीतिक स्थिति जो बिगड़ती जा रही है इमरान खान की, उसको संतुलित करने के लिए भारत वाले कार्ड का प्रयोग करें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों में राष्ट्रवाद की भावना को उभार कर अपने देश की चीजों को छुपाया जाता है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। तो अपन उन समस्याओं की बात करते हैं कि जिनकी वजह से इमरान खान प्रधानमंत्री ने इसको अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की सोची, या कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। देखो, सबसे पहला कारण नंबर एक है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि उसको पाकिस्तान की सरकार व्यवस्थित नहीं कर पा रही है। कोरोना काल में और भारत से व्यापारिक संपर्क टूटने में और बहुत सारी चीजों के कारण आर्थिक स्थिति लगातार क्या हो रही है, उसकी खराब होती जा रही है। तो आर्थिक स्थिति तो वो ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन लोगों को बेसिक समस्याओं से ध्यान हटाकर वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लाना चाहता है, क्योंकि वहां पर भारत के संबंध में कोई भी कार्य करने से लोग अपना खाना रहना सब भूल जाते हैं और उस खबर को देखते हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई सामने आ जाती है। दूसरी समस्या है कि इमरान खान के विरुद्ध पाकिस्तान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक्स मूवमेंट, मतलब एक आंदोलन चल रहा है जिसमें लगभग 11 विपक्षी दल इमरान खान के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध लगातार रैलियां कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान सरकार का विपक्ष के द्वारा बहुत तीव्र गति से विरोध किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान सरकार पर खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। इस वजह से भी वो अपना लोगों का ध्यान वो विपक्षी आंदोलन से हटाकर, अपने देश की स्थिति खराब स्थिति से हटाकर वो भारत वाले मुद्दे पर लाना चाह रही है। इस वजह से वो ऐसे काम कर रही है जिससे लोगों का ध्यान सीधा भारत की तरफ शिफ्ट हो जाए और वो अपनी जो नाकामी है उसको छुपा सके। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो FATF एक संस्था है जो आतंकी लोगों के लिए जो धन मुहैया कराता है, सुविधा मुहैया कराता है, ऐसे लोगों को एक लिस्ट जारी करता है जिससे उस देश को जो विश्व स्तर पर जो आर्थिक सहायता मिलती है वो सहायता मिलनी बंद हो जाती है। तो वर्तमान में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार बना हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता नहीं मिल रही और पाकिस्तान की बदनामी भी होती है, क्योंकि जब FATF किसी को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो उसकी बदनामी होती है और उसको अन्य देश उसके साथ व्यापार करने से, वहां इन्वेस्ट करने से और उसको आर्थिक सहायता देने से बचते हैं। तो मतलब कि पाकिस्तान की हालत खराब है, उसको कोई मदद मिलने के चांसेस नहीं है, इससे उसकी राजनीतिक स्थिरता सरकार की खराब हो रही है। इन सब चीजों को छुपाने के लिए वह अपने लोगों का ध्यान भारत पाकिस्तान के सीमा विवाद पर लाना चाहता है, जिससे लोगों की भावना सीमा विवाद पर केंद्रित हो जाए और वो उसकी जो नाकामियां है वो छुप जाए।
चौथी समस्या है कि सेना की अन्य संस्थाओं के साथ टकराहट चल रही है, मतलब सेना से पुलिस की टकराहट चल रही है, भ्रष्टाचारी संस्थाओं की टकराहट चल रही है, न्यायालय की टकराहट चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा माना जाता है कि सरकार को सेना के द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का अत्यधिक हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और विपक्ष जो मूवमेंट कर रहा है उसमें भी यही उठा रहा है कि सेना का सरकार में दखल नहीं चलेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान की सेना और पुलिस और अन्य संस्थाओं में टकराहट भी बढ़ रही है, इस वजह से वहां अस्थिरता आ रही है। इस अस्थिरता को भी कम करने के लिए, सरकार की कमियों को छुपाने के लिए, वो जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो लोगों का ध्यान भारत पाकिस्तान सीमा विवाद पर लाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है जिसकी वजह से उसने गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे को फिर से शुरू किया। तो इन उद्देश्यों से वह गिलगित बाल्टिस्तान में, जो उसने सितंबर में ये भी कहा था कि यहाँ चुनाव कराएंगे, तो लगा चुनाव कराएंगे, तो एक विभाजित क्षेत्र जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि यहाँ पर जब तक ये सुलझ नहीं जाता ये स्वायत्त शासी रहेगा, मतलब यही के लोग यहाँ पर शासन करेंगे। तो इस बुबावित क्षेत्र को जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपको रोकता है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, यूएन ने जो कहा था उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, और भारत के साथ आप सीमा विवाद को बढ़ा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को अंत में परेशानियां की सामना करना पड़ेगा। और भारत ने इसका विरोध भी दर्ज कराया है, अब भारत यूएन में फिर से इस चीज की जानकारी देगा और यूएन के द्वारा फिर से पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान को इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी। और भारत भी कूटनीतिक तरीके से, भारत ने सबसे पहले विरोध तो प्रदर्शित कर दिया है, विदेश मंत्रालय ने सीधा सीधा कहा है कि आप इस विवादित क्षेत्र पर अवैध रूप से अधिकार नहीं कर सकते, अपने अधिकार को नहीं बढ़ा सकते, साथ में आपको इस अवैध कब्जे वाले स्थान को खाली करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों विदेश मंत्रालय ने भारत ने स्पष्ट तो कर ही दिया है, साथ में भारत कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को इस चीज में रोकने की कोशिश करेगा। और भारत, आप ये सोचते होंगे कि भारत हमला के द्वारा सेना से हमला करके उस क्षेत्र को कब्जा कर ले और वापस ले ले पाकिस्तान से, भारत सेना के माध्यम से इसलिए लेना नहीं चाहता क्योंकि भारत उसको वैध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत और शांति से प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि युद्ध के द्वारा प्राप्त करने से उसका विवाद सुलझ नहीं जाएगा, वो लगातार बना रहेगा, क्योंकि युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है सीमा विवाद को खत्म करने का। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सहयोग से और वैध तरीके से जन्म संग्रह के माध्यम से इस सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और वो वैधानिक तरीके से पीओके को भारत में प्राप्त करना चाहता है। इसलिए भारत सैन्य कार्रवाई पर उतना ज्यादा विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि भारत ने जो भी सैन्य कार्रवाई की है वो बचाव में की है, ना कि आक्रमण में की है, क्योंकि भारत की नीति रही है कि वो किसी पर युद्ध या आक्रमण नहीं करेगा। तो इसलिए आपके मन में जो आता होगा कि भारत सेना के माध्यम से हमला करके पीओके को क्यों नहीं लेता, तो इसलिए भारत शांति के साथ वैधानिक तरीके से पीओके को प्राप्त करना चाहता है और सीमा विवाद को समाप्त करना चाहता है। इस क्षेत्र के प्रति बहुत तन्मयता से लगा हुआ है और उसका उद्देश्य इसको प्राप्त करना है, क्योंकि भारत कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है पीओके को, जिस पर 1947 के बाद से अवैध रूप से पाकिस्तान कब्जा किए है। तो पाकिस्तान अपनी आंतरिक कमियों को छुपाने के लिए इस क्षेत्र पर सीमा विवाद को सामने ला रहा है, बाकी और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।